हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम वेलकम स्वागत स्वागत आ जाइए सभी जुड़ जाइए जल्दी से है ना तो थोड़ा सा ना टेक्निकल इश्यू की वजह से आज जो है सेशन लेट हो गया है ना स्ट्रीम की ना वर्क नहीं कर रहा था स्ट्रीम की पता नहीं कभी कभी वर्क नहीं करता है है ना सर से बात करेंगे इस बारे में चलिए आज का जो अपना चैप्टर है है ना सभी जुड़ जाओ सबसे पहले तो स्वागत करते हैं सभी का वेलकम वेलकम है ना चलिए तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रोजाना सुबह दस बजे मॉर्निंग में हमारा सेशन होता है और हम रेगुलर क्लास करते हैं है ना आपके लिए सेशन लेकर के आते हैं और अभी हमारा जो है है ना लक्ष्य बेच हमारा चल रहा है फोर्टी डेज में हम आपको है ना कंप्लीट यहाँ पर जो है

आपने सुना होगा धातु की अच्छी चालक होती हैं। है ना फ्री इलेक्ट्रॉन तो होते, है? होते हैं electron, है होते है और वो बेस्ट कंडक्टर होते हैं है ना अब यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं ना तो जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर गए तो अगर किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर जाए तो सिर्फ उसके पास प्रोटोन ही तो बचेंगे है ना तो यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है है ना जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन है ना किस में आ गए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जंप करके आ गए नेगेटिव नेगेटिवली चार्ज रेशम पे आ गए है ना तो यहाँ पे क्या हुआ सिर्फ प्रोटोन बचे कांच के पास सिर्फ क्या बचे तो आप कहेंगे सिर्फ प्रोटोन बचे सिर्फ प्रोटोन बचे सिर्फ प्रोटोन बचे सिर्फ प्रोटोन बचे है ना तो यहाँ पर जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो सारे इलेक्ट्रॉन रेशम पे ट्रांसफर कर जाते हैं और प्रोटॉन होने की वजह से सिर्फ प्रोटॉन बचने की वजह से कांच की छड़ जो है वह पॉजिटिव चार्ज हो जाती है बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत समस्या आप तो जानते हैं परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन होते हैं अगर परमाणु में से इलेक्ट्रॉन कहीं ट्रांसफर कर जा जाए तो परमाणु में सिर्फ प्रोटोन ही तो बचेंगे है ना तो जब इसको रेशम से कांच को कागज से रब किया तो आवेश उत्पन्न हुआ दो तो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो आवेश की मात्रा संचित हो जाती है है ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर गए सिर्फ है ना यहाँ पर प्रोटॉन बचे कांच के पास तो कांच धनावेशित हो गया और जो रेशम है है ना इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से ऋणावेशित हो गया आपसे ये भी पूछ सकता है कि रेशम रेशम पे कौन सा चार्ज है रेशम पे नेगेटिव चार्ज है ना बोलो कोई दिक्कत यहां तक कोई समस्या है ना बोलो आगे चले है ना देखो अपनी क्लास है ना कंसेप्ट से होती है आपको है ना साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री आपको यहाँ पे कंसेप्ट सीखना है कंसेप्ट सीख गए कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि रेशम धनात्मक था कांच ऋणात्मक था ऐसा कुछ भी जो है आपको कुछ भी कांच धनात्मक था कि रेशम ऋणात्मक था कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है कंसेप्ट सीखने के बाद कोई कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है किसी आवेश चालक का संपूर्ण आवेश देखो है ना आप है ना खोखले बेलन एक कंसेप्ट है खोखला बेलन जैसे कोई कार होती है बस होती है है ना जो है ट्रेन की बोगी वो अंदर से खोखला होता है है ना कार अंदर से खोखली होती है ट्रक अंदर से है ना ट्रेन की बोगी है अंदर से कंसेप्ट छोटा सा अभी याद हो जाएगा खोखले बेलन पे जो आवेश का पृष्ठ घनत्व है यानी कि चार्ज आवेश आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो आवेश होता है वो इसके बाहर की तरफ ही होता है बाहर अंदर नहीं जाता अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कार में जा रहे हैं घूमने कार के सारे शीशे लगे हुए हैं कांच लगे हुए हैं कार के ऊपर बिजली का वायर गिर गया तो क्या अंदर बैठे वे 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 हुए जमीन में चला जाएगा अच्छा एक चीज आपने देखी है कभी आपने ध्यान दिया है कि जब ट्रक है ना हाईवे पर चल रहे होते हैं तो ट्रक के नीचे वो चेन है ना घिसटती चली जाती है घिसटती चली जाती है है ना तो जो ट्रक वाले होते हैं क्योंकि है ना फ्रैक्शन से है ना पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई काइनेटिक एनर्जी जो है वह है ना वह स्टेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई रबिंग चल रही है तो आवेश की मात्रा जो है उत्पन्न हो जाती है उस आवेश को धरती में भेजने के लिए ट्रक के नीचे चेन वो जमीन से है ना टच होती हुई चलती है ताकि आवेश धरती में चला जाए और ट्रक में आग ना लगे फायर ना पकड़े है ना तो यहां पर जो है बाहरी पृष्ठ पर रहता है कहां पर रहता है बाहरी पृष्ठ पर रहता है आवेश का संपूर्ण जो पृष्ठ घनत्व है वह बाहरी पृष्ठ पर रहता है ये बात तो याद रखने वाली है है ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े क्या बोलो है ना नेक्स्ट नेक्स्ट की तरफ चलें नेक्स्ट की तरफ चलते हैं है ना ठीक yeah. है दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाला जो बल है है ना दो विद्युत आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल है है ना वह आपका है ना किसके समानुपाती होगा चलो कोशिश करो तो ये तो कुलाम का नियम है ये तो कुलाम का नियम हो जाएगा और कुलाम क्या कहते हैं कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्यूत क्रमानुपाती होता है है ना ये बात तो याद रखने वाली है जी याद रखने वाली है ये बात है ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ये तो गुलाम का नियम है है ना Q1 और Q2 है ना फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोपोर्शनल टू आवेश के गुणनफल की फलानुपाति और बीच की दूरी के वर्ग के व्यूत है ना बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत अच्छा ओम ओम क्या कहते हैं ओम पता है ओ एच एम है ना वी uh, प्रपोर्शनल ना फेराडे फेराडे ने जो है वह इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि विद्युत अपघटन का नियम दिया है ना समझ रहे हैं और एम्पियर एक एम्पियर की अगर किसी वायर में धारा बह रही है तो छह दशमलव पच्चीस गुणित दस घात है ना जो है अठारह इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में पास करेंगे है ना ये सारे नियम अपने को याद होना चाहिए बोलो कोई परेशानी के यहां तक क्या हम आगे चल सकते हैं आगे बढ़ सकते हैं यदि दो आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दें तो उनके मध्य विद्युत बल का मान कितना हो जाएगा चलो इसको अटेंड करो जो अभी अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया ना है ना उसी से रिलेटेड है देखिए यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए देखो अभी अभी अपन ने फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देखा है ना कि यह होता है आपका है ना Q1 और Q2 ठीक है ना और R के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल अब देखो ध्यान से देखना जो बोल रहा है ना वो ही करो बस है ना दूरी को आधा करना है आवेश के बारे में तो कुछ नहीं कहा आवेश के बारे में तो कुछ नहीं कहा ना सिर्फ दूरी के बारे में कहा है ना तो दूरी को क्या कर दिया अपन ने आधा कर दिया ये मतलब आवेश कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट वैल्यू को अपन हटा सकते हैं ना ये अपना हो जाएगा है ना आर स्क्वायर दूरी को उसने आधा करने का कहा तो दूरी को अगर आधा करने का कहा है ना तो आप आप इसको सॉल्व कीजिए आर बाय टू का होल स्क्वायर है ना इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा है ना आर स्क बटे में है ना चार दो दुना चार बोलो कोई दिक्कत है क्या दूरी को आधा करने को कहा है ना कि दो गुना करने को कहा है आप है ना दो गुना मत कर देना टू आर का स्क्वायर मत कर देना नहीं तो फोर आर का स्क्वायर हो जाएगा अब ये बटे का बटा ऊपर जाएगा तो अपने को कैसा दिखाई देगा ये दिखाई देगा चार बटे आर स्क्वेयर यानी कि अब फोर्स आपको पहले का चार गुना दिखाई दे रहा एक चौथाई मत लगा देना तो देखो दूरी को कम करोगे दूरी को कम करोगे तो फोर्स बढ़ेगा अब दूरी को कम किया आधा किया तो और फोर्स बढ़ा चार गुना फोर्स हो गया वन फोर्थ कब होता पता है वन फोर्थ कब होता ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है वन फोर्थ तब होता जब वो दूरी को दो गुना करने को कहता तो दूरी बढ़ रही है है ना दूरी बढ़ रही है तो फोर्स जो है कम होगा दूरी को आधा करने को कहा तो आधा कीजिए का स्क्वायर कीजिए है ना गड़बड़ गड़बड़ मत गड़ मत कर देना इसमें है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन एक बेंजामिन फ्रेंकलिन का जो है आप यहाँ पर नाम जरूर याद रखें बेंजामिन फ्रेंकलिन ने दो प्रकार के आवेशों की गणना की है ना उन्होंने ये भी बताया कि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को दूर फेंकते हैं रिपल करते हैं रिपल्शन है ना यानी कि सेम जो आवेश है यानी कि जैसे नेगेटिव नेगेटिव भी रिपल करेगा पॉजिटिव पॉजिटिव भी रिपल करेगा लेकिन अपोजिट जो आयन होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ये कंसेप्ट भी आवेश खोजने के साथ साथ है ना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही दिया समान आवेशों में हमेशा क्या होता है है ना डिस्ट्रेक्शन होता है रिपल्शन होता है है ना विकर्षण आकर्षण मत लगा देना हाँ अगर असमान आवेश पूछे या अपोजिट आयन पूछे तो अपन जो है एट्रैक्शन लगाएंगे आई होप आप समझ पा रहे होंगे कोई ज्यादा कठिनाई नहीं, नहीं है कोई ज्यादा कठिनाई नहीं, नहीं है बहुत आसान है है ना चलो एबेनोइड की अब देखो एबेनोइड क्या है ये बेड कंडक्टर है हमें ना कुछ बेड कंडक्टर याद रखना होंगे चलो कोशिश करो देखिए होता क्या इससे पहले हमने ना का क्वेश्चन किया ग्लास का क्वेश्चन किया है ना अब क्योंकि बैड कंडक्टर है, है ही ही होंगे तो फिर वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं होने देंगे है ना? समझ पा रहे ना तो एबेनोइड की छड़ को जब बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, ना तो एबेनोइड की छड़ बैड कंडक्टर होने की वजह से है ना यह ऋणावेशित हो जाती है जैसे कांच धनावेश हो रहा था ना इसमें जस्ट अपोजिट ऋणावेश हो जाती है है ना ठीक है जैसे दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर आवेश की मात्रा संचित हो जाती है ना तो इसमें आवेश की मात्रा संचित होने लगेगी है ना याद रखना और हाँ एवेनोइट बेड कंडक्टर होता है ठीक है चलिए वस्तुओं को आवेश मतलब आप कैसे वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं तो आपने कहा ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके है ना इलेक्ट्रॉन की न्यूट्रॉन जे जे की खोज उन्नीस सौ बत्तीस में जेम्स के द्वारा हुई ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं आपसे सारे प्रश्न पूछे गए हैं अगर आप कार में जा रहे हैं हमने आपको अभी अभी आवेश का पृष्ठ घनत्व करवाया अभी अभी हमने आपको बताया कि आपको खोखले बोले खोखले जो बेलन होता है है ना खोखला बेलन उस पर जो आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है वो उसके बाहर की तरफ होता है जैसे ट्रेन में जाना है अगर ट्रेन की बोगी की ट्रेन तो पूरी लोहे की बनी है तो अगर उस उसपे जो है बिजली का वायर गिर, गिर गया तो क्या ट्रेन के अंदर बैठे व्यक्तियों को करंट लगेगा नहीं लगेगा क्योंकि तो आवेश बाहर बाहरी पृष्ठ पर होता है है ना तो आपको दिमाग लगाना है कि कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे बंद कर लेंगे तो है ना अगर खुली रहेंगी तो आवेश अंदर आ जाएगा हो सकता है क्योंकि बाहरी सरफेस पर चलता है ना आपका तो आवेश है ना ठीक है याद रखना है ना खिड़कियां बंद करो और छोटा सा कंसेप्ट याद रखो आवेश का प्रश्न काश् तो पर होता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत क्रमानुपाती है तो गुलाम का नियम लग रहा है और कूलाम का ही तो है है ना चलिए आवेश के गुणनफल के समानुपाती लेकिन उनकी बीच की दूरी के वर्ग के क्रमानुपाती होता है फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये तो कूलाम का नियम है ये कूलाम का नियम है ना अभी अभी इससे इससे रिलेटेड अपन ने न्यूमेरिकल भी तो किया था इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी किया अपन ने फैराडे फैराडे ने इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ना फैराडे वदा फेराडे इज वेरी बिग साइंटिस्ट फेराडे जो जो थॉमसन से पहले इलेक्ट्रॉन खोज चुके थे बट कॉन्फिडेंट नहीं थे कि यार ये मैंने क्या खोज निकाला है है ना कॉन्फिडेंट नहीं थे ना चलो किरचॉफ किरचॉफ कहते हैं अह किरचॉफ कहते हैं कि किरचॉफ कहते हैं अ गुड एमिटर्स आर गुड एब्जॉर्बर अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं ये किरचॉफ का नियम है किसी बिंदु पर आने वाली और जाने वाली सभी धाराओं का बीज गणित योग जीरो होता है का रूले, ये जो जो अभी हम आपको वर्बल बता रहे हैं ना आगे प्रश्न बनेगा तो आप इसको लगाना ओम कहते हैं है ना कि दो मतलब आ, तार के दोनों सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसके धारा के समानुपाती होता है है ना विभवांतर धारा के समानुपाती होता है इतने प्यार मोहब्बत से आपको एक एक कंसेप्ट बता रहे हैं पता नहीं आप कहाँ रह जाते हैं क्या कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा इतने इम्पोर्टेंट सेशन चल रहे हैं इतनी खूबसूरती से हम एक एक कंसेप्ट बता रहे हैं है ना चलिए किसी विद्युत परिपथ में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य अब देखो जैसे अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है कहाँ से आ रही है तो आप कहेंगे सर पावर स्टेशन से आ रही है ग्रिड स्टेशन से आ रही है है ना थर्मल एनर्जी कोयला आपने मालगाड़ियों में कोयला भरे हुए जाते देखा होगा पैंसठ परसेंट पैंसठ से सत्तर प्रतिशत जो है वह थर्मल एनर्जी यूज होती है हमारे इंडिया में है ना इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए होता क्या है कोयले को गर्म करते हैं भाप बनती है पानी की भाप में जो है गुप्त गुप्तुषमा ज्यादा होती है एनर्जी ज्यादा होती है है ना तो वो टर्बाइन को घुमाती है टर्बाइन घूमेगा मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट होगा है ना मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने लगेंगे और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही तो इलेक्ट्रिसिटी है है ना फिर एक्यूमलेटर कंडेंसर ऐसे बड़े बड़े है ना इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज डिवाइस होते हैं जिसमें आवेश को इकट्ठा कर लिया जाता है फिर उसको सप्लाई कर दिया जाता है ये ये लॉजिक है बस कोई ज्यादा बड़ा लॉजिक नहीं है है ना तो इसी को तो अपन जो है पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस है ना चलो विभवांतर चलो ये क्वेश्चन लगाओ ये क्वेश्चन लगाइए ना आपको बताया था ना कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स अब पता है ये चीज समझने के लिए है ना आपको हमसे केमिस्ट्री में आब्बो प्रिंसिपल पढ़ना पड़ेगा क्वांटम नंबर्स पढ़ना पड़ेंगे है ना और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना पड़ेगा तब जाके चीजें बेहतर समझ में आएंगी है ना लेकिन हां आप इतना सा याद रख लीजिए कि धातुओं में है ना धातुओं में आज जो है उनकी अंतिम कक्षा में वैलेंस शेल में है ना जो है एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन तीन इलेक्ट्रॉन है ना मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं चार इलेक्ट्रॉन तो शेयर करेगा जैसे कि ट्रेट्रा हो जाएगा ना तो ये फ्री होते हैं ये ट्रांसफर कर जाते हैं है ना ऑक्टेंट रूल फॉलो करने के लिए अंतिम कक्षा में आठ इलेक्ट्रॉन रखने के ठीक है तो यहाँ पर जो है उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन हो ठीक है ना कोई दिक्कत आगे चले बोलो आगे चल सकते हैं क्या है ना चल सकते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत का चालक है स्वाभाविक सी बात है कि आपको है ना पहले चार याद रखना होंगे नोट्स बनाना होंगे याद रखना होगा चांदी सबसे अच्छा चालक है चांदी को सिंबल करते हैं एजी से सोना सोना सिंबल करते हैं एयू से है ना उसके बाद क्या आप जानते हैं सोना दूसरा सबसे अच्छा कंडक्टर है, है ना चांदी के बाद उसके बाद कॉपर कॉपर यानी कि तांबा तांबे को हम यू से है ना उसके बाद एल्युमिनियम है ना एल्यूमिनियम है ना तो यहाँ पर जो है चांदी सही हो जाएगा कहीं जल्दबाजी में कॉपर मत लगा देना अब देखो क्योंकि अपने घर में कॉपर के वायर यूज होते हैं ना तो हम जल, जल्द जल्दबाजी में कॉपर लगा सकते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं लगाइए पहचानिए है, और उड़ा दीजिए थोड़ा सा पानी पी लें आप तो है ना गर्मी आ गई गर्मिया इतनी आ गई है, है ना गर्मियाँ इतनी आ गई हैं कि हमारी बैंड बच जाती है गर्मी में गला सूखते रहता है चलिए कर लिया आपने है ना देखो होता क्या है सुपर कंडक्टिंग क्या होता है सुपर कंडक्टर होते हैं ना जैसे कि कुछ यहां पर आपके अगर हम देखें कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं जैसे कि अगर हम देखें कि अशुद्धि मिलाने पर इम्प्योरिटी मिलाने पर है ना इम्प्योरिटी अशुद्धि मिलाने पर है ना तो यहां पर इम्प्योरिटी अशुद्धि मिलाने पर जो है है ना उनकी चालकता बढ़ती है वैसे तो जो सुपर कंडक्टर होते हैं ना वो इतने अच्छे इतने अच्छे कंडक्टर नहीं होते कि इतने से को फ्लो नहीं करेंगे होंगे आजकल तो सेमी कंडक्टर का बहुत यूज होता है मोबाइल की चिप जो है सेमी कंडक्टर की बनी होती है प्रोसेसर वगैरह इनमें जो है सेमी कंडक्टर का इस्तेमाल होता है एम्पलीफायर वगैरह सभी में तो यूज हो रहा है सेमी कंडक्टर का बहुत जो है ना महत्व है लेकिन अब यहाँ पे हम बात करेंगे सेमी कंडक्टर के अलावा सुपर कंडक्टर की जब हमारे पास सुपर कंडक्टर हो तो सेमी कंडक्टर और कंडक्टर की जरूरत ही क्या है लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात बताएं बड़ा महंगा पड़ता है सुपर कंडक्टर बनाना है ना? समझ रहे इतना महंगा पड़ता है कि बैंड बच जाती है हमारे पास कुछ ऐसी धातुएं हैं जो बहुत ही बेड कंडक्टर है जो बहुत ही बेकार कंडक्टर है जैसे कि पारा लेड लेड को है ना पीबी से लिखा जाता है माफ कीजिएगा क्षमा प्रार्थी है ना लेड, तो पारा और लेड सुनना ध्यान से ये है ना अति चालक हो सकते हैं ये ये सुपर कंडक्टर हो सकते है जो सबसे बैड कंडक्टर वो सुपर कंडक्टर हो सकता है प्रश्न पूछा गया है बहुत बार पूछा गया है माइनस टू है ना माइनस माइनस टू सिक्सटी नाइन है ना इसको लिखिएगा ऐड कीजिएगा माइनस टू सिक्सटी नाइन डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करना पड़ेगा है ना लेड को माइनस एक सौ तिहत्तर डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करना पड़ेगा तब जाके सुपर कंडक्टर होंगे आप सुपर कंडक्टर समझ रहे हैं यानी कि रेजिस्टिविटी प्रतिरोध जीरो है हम आपको है ना कंसेप्ट बता रहे हैं आप कंसेप्ट के पीछे है ना अच्छा प्रतिरोध यानी कि इलेक्ट्रॉन रुक नहीं रहे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेजी से हाई प्रेमेबिलिटी, उच्च पारगम्यता, रेजिस्टिविटी नाम की चीज ही नहीं है उसको सुपर कंडक्टर बोला जाता है है है, ना? ठीक तो यहां पर हो जाएगा सेमी कंडक्टर भी करने वाले हैं आगे आएगा कंडक्टर सेमी कंडक्टर एंड सुपर क्या आपको तीनों में अंतर समझ में आ गया देखो यानी कि इलेक्ट्रॉन

हमने मेटलॉइड पढ़े ना बोरोन सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सेनिक एंटीमनी टेल्यूरियम पोलोनियम है ना तो ये क्या होते हैं ये सेवन अपने मेटलॉइड है है ना इनमें धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं मेटल नॉन मेटल दोनों के गुण होते हैं है ना और सेलेनियम यहाँ पर सेमीकंडक्टर नहीं होगा है ना सिलिकॉन जर्मेनियम अब देखो सिलिकॉन सबसे ज्यादा क्यों यूज होता है आपने सुना होगा सिलिकॉन 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 क्योंकि धरती में धरती की भूपरपटी पर अभी क्रस्ट की बात कर रहे हैं पूरी पृथ्वी की नहीं आपसे पूछा जाता है भूपरपटी पर ऑक्सीजन पर, का परसेंटेज कितना है करीब 46, 46 है दूसरे नंबर पर पर, पर सिलिकॉन ही तो पाया जाता है सिलिकॉन तीसरे नंबर पर भूपरपट्टी पर, -पर, पर एल्यूमिनियम पाया जाता है ये भूपरपट्टी -पर, पर अर्थ क्रस्ट पर पाए जाने वाले सबसे ज्यादा तत्व है ना ठीक है समझ गए आगे चलते हैं ऐसे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में मुक, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते लेकिन अभी-अभी हमने आपको बताया वैसे तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते नहीं लेकिन कोई विशेष परिस्थिति जैसे कि ताप बढ़ाने पर जैसे कि कुछ अशुद्धि मिलाने पर इंप्योरिटी मिलाने पर जो है वह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं है ना और यहां पर जो है है ना ऐसे पदार्थ सेमीकंडक्टर कहलाएंगे बोलो है ना आपको ना एक प्रश्न पूछा जाता है आप है ना ध्यान दीजिए थोड़ा सा हम कंसेप्ट तो बता रहे हैं आपको कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि सेमी कंडक्टर है ना कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है चालकता बढ़ती है और प्रतिरोध रजिस्टिविटी घटता है है ना हमने तो प्रेवेश क्वेश्चन में इतने प्रेवेश क्वेश्चन कराए हैं बच्चों को इतने कराए हैं आप कराते रहते हैं और कराएंगे आपको भी

धातु है जैसे कि सबसे ज्यादा चांदी है ना सिल्वर उसके बाद अपना अगर अपन देखें सोना गोल्ड है ना उसके बाद कॉपर फिर एल्यूमिनियम चलिए कुछ अलग सर बेड कंडक्टर सर इंसुलेटर किसे कहते हैं प्रश्न पूछे जाते हैं इंसुलेटर इंसुलेटर कुछ अलग होते हैं बेड कंडक्टर जैसे एबेनोइड की छड़ा पन्ने पड़ा जैसे कि वुड लकड़ी सबसे अच्छा इंसुलेटर है सबसे अच्छा इंसुलेटर लकड़ी है हमने अभी अभी हमने अभी अभी अर्ध चालक पदार्थ का याद किया था चलो कोशिश करो कोशिश कीजिए चलिए कोशिश कीजिए ताप बढ़ने के साथ चालक पदार्थों की विद्युत प्रति देखो चालक तो धातु है होती हैं चालक तो धातु है होती हैं बोलो अगर हम चांदी उठा लें सोना कॉपर एल्यूमिनियम इनको गर्म करें ताप बढ़ाएं इनकी कंडक्टिविटी घटेगी इनकी चालकता घटेगी और प्रतिरोध बढ़ेगा प्रतिरोध बढ़ेगा है ना और चालकता घटेगी ये केस धातुओं के लिए है अर्ध चालकों के लिए नहीं है, है ना अर्ध चालकों का जो है अगर ताप बढ़ाया जाए उल्टा होता है प्रतिरोध घटता है जबकि विद्युत चालकता बढ़ती है हम यहाँ पे लिख देते हैं क्लियर मेंशन कर देते हैं अर्ध है ना चालक सेमी कंडक्टर है ना आगे चले बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट हैं बहुत ही प्यारा अपना सिलेबस है बस है ना कमी है तो आपकी और पता नहीं आप कहाँ रह जाते हैं। इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम आपको कराते हैं रेगुलर रहो है ना तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग में आता है एक सी बात है फ्री इलेक्ट्रॉन से कंडक्टिविटी अच्छी है कंडक्टिविटी अच्छी है तो रजिस्टिविटी कम है रजिस्टिविटी कम है तो इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न है डी इज द राइट आंसर बोलो कोई दिक्कत कोई समस्या कहीं से कहीं तक है ना आप अगला क्वेश्चन लगाइए हम थोड़ा सा पानी पी लें इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है करंट को तो एम्पियर में मापा जाता है ना अगर किसी वायर में ये भी पूछा जाता है एक एम्पियर जैसे अपने घर में अपने घर में कितने एम्पियर की धारा आ रही है पूछा जाता है आप है ना याद रखना लिख लेना इसको हमारे जो घर है उसमें ऑडिबल तो है ना हम है ना हमारे घर में जो है वह 10 एम्पियर से 12 एम्पियर तक धारा आती है हमारे घर में 220 से 240 वोल्टेज आता है है ना इसको प्रभावी वोल्टता इफेक्टिव वोल्टेज कहते हैं हमारे घर में 50 हर्ट्ज आ जाएगा चिंता मत करो है ना वोइस आ जाएगा सर आप एग्जा नहीं एग्जा नहीं वोइस आ जाएगा है ना वोइस आ जाएगा चिंता ना करो वोइस आ जाएगा है ना कुमार साहब वॉइस आ जाएगा अवनीश वोइस आ जाएगी चिंता मत करो अभी अपना है ना साइंस का क्रैश कोर्स चल रहा है आपके सी और एनडीए दोनों के लिए है ना साइंस का क्रैश कोर्स चल रहा है ठीक है तो जो मोल है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट हो जाएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ का परिमाण है ना जो है नाबिन का हो जाएगा है ना आपस में जुड़ी दो वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है अच्छा बताओ एक वायर है जैसे मान लीजिए यही एक वायर है ये पेन ही वायर है अगर इस वायर का ये वाला सिरा पकड़ लिया ये वाला सिरा पकड़ लिया तो क्या हमको करंट लग जाएगा क्या नहीं लगेगा क्यों नहीं लगेगा क्योंकि इस वायर के दोनों सिरों पर पोटेंशियल सेम है दोनों सिरे पर पोटेंशियल सेम है अगर पोटेंशियल में डिफरेंस होगा है ना वोल्टेज ए और वोल्टेज बी में अंतर होगा तभी तो पोटेंशियल देखो हमेशा है ना पोटेंशियल हाई से लो की तरफ बढ़ता है अब जैसे मान लीजिए हमारे घर हमारे घर में ग्रिड स्टेशन ग्रिड स्टेशन से पोटेंशियल आ तो रहा है, है ना यहां पे बहुत ही हाई पोटेंशियल है, है ना यहाँ पे बहुत ही लो पोटेंशियल है तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ विभव है ना यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस ट्रांसफर करेगा विभव आपका ट्रांसफर करेगा और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी लेकिन अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा विभव में अंतर ही नहीं होगा सेम पोटेंशियल होगा तो क्या करंट लगेगा नहीं लगेगा देखो ये वायर है वायर के दोनों तार दोनों सिरे पकड़ लिए करंट नहीं लगा एक सिरा पकड़ लो और एक सिरे को जो अपना वो सॉकेट होता है ना उस सॉकेट में लगा दो अब देखो मजा आ जाएगा है ना जोर का झटका जोरों से लगेगा क्योंकि वहां से पोटेंशियल हाई था यहाँ पे इस सिरे पर लो था हाई से लो की तरफ इलेक्ट्रिसिटी है ना फ्लाई की और फ्लाई मतलब फ्लो फ्लाई मतलब तोड़ना हो जाएगा फ्लो की और आपको करंट लग गया तो सेम पोटेंशियल पोटेंशियल में डिफरेंस होना चाहिए सर पोटेंशियल डिफरेंस तो समझाओ व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य द वर्क डन है ना इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस है ना बोलो आ, समझ गए चलो एसी को डीसी में बदल डालिए ये क्वेश्चन बहुत आते हैं अल्टरनेट करंट क्या होता है जो सभी दिशाओं में जाता है अल्टरनेट करंट सभी दिशाओं में जाता है डायरेक्ट करंट सिर्फ एक ही दिशा में जाता है जैसे कि मोबाइल की बैटरी जैसे कि जनरेटर जैसे कि आ, आपका कोई बैटरी हुआ उसमें डायरेक्ट करंट होता है ना फिर अपन इन्वर्टर लगाते हैं ताकि डायरेक्ट करंट से अल्टरनेट करंट है ना उसमें इन्वर्टर जो है डीसी टू एसी में कन्वर्ट कर देता है एसी टू डीसी में कन्वर्ट करेगा रेक्टिफायर रेक्टिफायर अल्टरनेटर डेकोरेटर रेटर है ना याद रखना है ना ट्रांसफार्मर क्या करता है ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन भी बहुत आता है ना कुमार साहब बहुत आता है ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर हाई पोटेंशियल को लो पोटेंशियल में नहीं पोटेंशियल की बात नहीं करेंगे ट्रांसफार्मर तो ओनली अल्टरनेट करंट को हाई से लो में बदलने के लिए लो से हाई में बदलने के लिए यूज होते हैं है ना ट्रांसफार्मर ओनली एसी के लिए यूज किए जाते हैं अल्टरनेट करंट के लिए यूज किए जाते हैं एक विद्युत फिटिंग में एक तार को देखो अपन जो है भूमि में है ना क्या करवा लेते हैं अर्थिंग करवाते क्यों करवाते पता है देखो हमने आपको अभी भी बताया था हमारे घर में हमारे घर में 10 से 12 एमपियर की धारा आती है एमपीयर की 220 से 240 इफेक्टिव वोल्टेज है है ना 50 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी है है ना तो अगर ये 10 से 12 एमपियर से ज्यादा एमपियर की धारा जाए 30 एमपियर 40 एमपियर की धारा जाए अपने पंखे ट्यूबलाइट है ना फ्रिज सब जल जाएगा उड़ जाएगा सब तो अगर ये धारा ज्यादा हुई है ना तो इस धारा को भूमि में पहुंचा दिया जाता है है ना यदि शॉर्ट सर्किट हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी लघु पतन यानी कि शॉर्ट सर्किट बोलो कोई परेशानी है क्या शॉर्ट सर्किट आपने कई बार सुना होगा कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है घरों में बिल्डिंगों में है ना अस्पतालों में वो ऐसे होता है ज्यादा एम्पियर की धारा क्योंकि बिल्डिंग में हॉस्पिटल में ज्यादा आग इसलिए लगती है क्योंकि उनको हाई पोटेंशियल की जरूरत होती है ज्यादा एम्पियर की जरूरत होती है ज्यादा वोल्टेज की आवश्यकता है तो है ना समझ पा रहे तो यहाँ पर अर्थिंग बहुत जरूरी है ताकि वो जो एक्स्ट्रा आपका एक्स्ट्रा आपका जो एम्पियर है वो बेस में चला जाए धरती में चला जाए फिर से वही क्वेश्चन आ गया अर्थ का उपयोग है ना खर्च को कम करने के लिए थ्री फेज में काम आता है फ्यूज के रूप में सिर्फ एक ही कारण है फॉर सिक्योरिटी है ना कई बार पता है इतने आसान क्वेश्चन का आंसर भी गलत लगा देते हैं क्योंकि दिमाग फ्यूज फ्यूज लगा दोगे बैंड बच जाएगा फ्यूज तो अलग ही चीज़ है फ्यूज अपन देखेंगे वो सीरीज में लगता है लेड और टीन का बना होता है है ना इसी का ये फ्यूज किससे बना होता है ये भी पूछा जाता है कई बार फ्यूज और सोल्डर लेड और टीन के बने होते हैं ये तो एक जो अपना इलेक्ट्रिक सर्किट होता है ना जिसे बल्ब वगैरह बना लो ये बल्ब बना लिया ये अपन ने सीरीज में यहाँ पे एक फ्यूज लगा लिया एक फ्यूज लगा लिया इसको बैटरी से जोड़ दिया पोटेंशियल से जोड़ दिया सीरीज में सीरीज में लगता है फ्यूज ये भी पूछा जाता है पैरेलल लगता है कि सीरीज में लगता है

अपने घर में जो अपन वायरिंग करवाते हैं ना तो ऊपर वाला जो है वो ग्रीन वायर होता है उसको अर्थ से जोड़ देते हैं है ना समझ पाए तो ये ऊपर वाली जो पिन होती है ना वो आपसे पूछते हैं कि ऊपर वाली पिन किस लिए है तो अर्थिंग के लिए ज्यादा एम्पेयर की धारा आई तो अर्थ में चला जाएगा उपकरण बच जाएगा एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध है ना चलिए वोल्ट मीटर है ना पेर... अच्छा बताइए वोल्ट मीटर सीरीज में लगता है कि पैरल लगता है बहुत अच्छा प्रश्न पूछेंगे आपसे सर मैं फिजिक्स में बहुत कमजोर हूँ लेकिन क्लास रेगुलर अटेंड करोगे सब ठीक हो जाएगा क्लास रेगुलर अटेंड करोगे ना सब ठीक हो जाएगा क्योंकि देखो हम सिलेबस कंप्लीट कराते हैं आपको कंसेप्ट बताते हैं छोटी छोटी चीजों को भी इतनी गंभीरता से बताते हैं क्योंकि यही चीजें मायने रखती हैं मैटर करती हैं एग्जाम में यही चीजें पूछी जाती हैं है ना समझ पा रहे हो इलेक्ट्रिसिटी में तो बहुत क्वेश्चन बनते हैं है ना कंडेंसर सेमी है ना उसके बाद आपका सुपर कंडक्टर उसके बाद ये आपके इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स एक्यूमलेटर है ना अल्टरनेटर ट्रांसफार्मर ठीक है यही आपसे जो है प्रश्न पूछे जाते हैं अधिकतर आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है कोशिश करो क्या होगा अच्छा वोल्ट मीटर तो पोटेंशियल डिफरेंस मापेगा वोल्टता मापेगा जैसे अपने घर में जो है धार आ रही है विद्युत धार आ रही है पांच से दस एम्पियर कभी कभी बारह एम्पियर भी देख लेते हैं अपन समरसिबल पंप लगा होता है ना वो पंपों में दिखा देता है कितने जो है इलेक्ट्रिसिटी आ रही है है ना <coughs> तो यहां पर जो है है ना इसको आप यहाँ पे याद रखना ये तो भाई साहब भाई साहब ये तो पैरेलल लगेगा ना ये सीरीज में नहीं लगेगा ये तो समांतर क्रम में लगता है सीरीज में तो आमीटर लगेगा जो विद्युत धारा मापेगा है ना चलिए याद रखना देखो जैसे एक परिपथ बनाए एक परिपथ बनाते हैं चलो एक परिपथ बनाते हैं है ना ठीक है एक परिपथ हमने बनाया है ना तो इस प्रकार से वोल्ट मीटर लगा दो ना? है ना ठीक है चलिए ये तो अनलिमिटेड हो जाएगा ना असीमित हो जाएगा अनलिमिटेड असीमित है ना अच्छा प्रतिरोध होता क्या है प्रतिरोध इलेक्ट्रिसिटी को रोकेगा इलेक्ट्रिसिटी को रोकने वाले को क्या कहते हैं प्रतिरोध बोलते हैं ना चलिए कोशिश कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ आप आंसर लगाते चलो एक है ना वैज्ञानिक के किरचॉफ यहां से एक न्यूमेरिकल इतना आसान मानता है न्यूमेरिकल देखो किसी बिंदु पर आने वाली धाराएं जैसे अपन तीन आने वाली धाराएं बना लेते हैं दो तो जाने वाली धाराएं बना लेते हैं आने वाली और जाने वाली है ना अब सुनना ध्यान से सुनना सीखना है ना i1 i2 i3 i4 और i5 तो ये बोल रहा है इसका कहने का मतलब ये किरचॉफ भाई साहब ये कांसेप्ट देखे गए हैं कि आने वाली और जाने वाली धाराओं का जो बीज योग है वह शून्य होता है आने वाली और जाने वाली धाराओं का बीज योग शून्य होता है बीज गणित योग का नियम है आने वाली और जाने वाली धाराओं का बीज गणित अब देखो इसमें न्यूमेरिकल कैसे आता है पता है न्यूमेरिकल ऐसे आता है आई वन का मान दे देगा चार आई टू का मान दे देगा तीन आई थ्री का मान दे देगा दो आई फोर का मान दे देगा सात और आपसे आई फाइव का मान पूछेगा कि आई फाइव की वैल्यू बताइए तो क्या आप इस छोटे से समीकरण से आई फाइव का मान नहीं निकाल सकते क्या इतने छोटे छोटे क्वेश्चन बच्चा गलत करके आता है है ना बहुत ही छोटे छोटे न्यूमेरिकल बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल बच्चा छोड़ के आता है जैसे कि कितने समय में कितना आवेश आया है ना यहाँ से आप जो है धारा का मान निकाल सकते हैं कितने समय में कितना आवेश आया धारा का मान निकाल सकते हैं आवेश का मान निकाल निकाल सकते हैं धारा में समय का गुणा करके धारा में समय का गुणा कर दो आवेश आ जाएगा पावर का मान निकाला जा सकता है, अगर आपको, है ना पावर वी स्क्वे अपॉन आर है ना और वी इंटू आई वी आई है ना और पावर होता है आई स्क्वेयर आर अगर आपको ये छोटी 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 चीजें नहीं पता है तो बड़े बड़े क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे एक अपना ओम अंकल का नियम वी प्रोपोर्शनल आई इसमें जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो वी बराबर आई आर ये तो बहुत ज्यादा पूछता है बहुत 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 ज्यादा पूछता है सीरीज वाला भी इसमें ना दो क्वेश्चन बनते हैं बता है ना आपको एक सीरीज वाला एक सीरीज वाला क्वेश्चन बनता है आर वन आर है ना बोलो कोई दिक्कत है क्या देखो आपको है ना चीजें सीखना तो पड़ेगी जिंदगी में है ना मेहनत तो करना पड़ती है मेहनत बिना मेहनत से कुछ भी हासिल नहीं होगा ये बात याद रख लेना है ना मेहनत तो जीवन में करना पड़ेगी ये क्वेश्चन एक आपका जो है है ना समांतर में पूछता है और इतने अभी आपका जो है की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वह आपसे जो है बहुत क्वेश्चन पूछता है बहुत क्वेश्चन है ना वी बराबर आई के तो बहुत क्वेश्चन पूछता है ओ मंगल वाले छोटे छोटे फॉर्मूले हैं एक जूल का नियम बहुत आता है है ना हीट एनर्जी कि पानी का ताप इतने डिग्री सेल्सियस से इतना डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितना ऊष्मा चाहिए है ना ये जूल का हीटिंग लो हो जाता है जूल का हीटिंग नियम इसमें है ना तार से विद्युत ता इस इस में कितनी उष्मी ऊर्जा है ये जूल का नियम है है ना और इसको आप पावर इसको आप पावर कह सकते हैं तो हीट एनर्जी बराबर आई आर, है ना? बराबर पावर इन टू टाइम बोलो है ना समझ में आया तो अभी तो आज के लिए अपन इतना रखें कितनी छोटी छोटी चीजें हैं छोटी छोटी चीजें बच्चा मिस कर जाता है, है ना एक और चीज याद आ रही है वो भी बता देते हैं बहुत प्रश्न बनते हैं वहां से आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य इसी को तो पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं है ना पोटेंशियल डिफरेंस है ना तो ये वोल्ट हो जाएगा ये वर्क हो जाएगा और ये आवेश को क्यों लिख देंगे तो देखो आपसे वर्क का फॉर्मूला बनता है ना यहां पर है ना वोल्टता गुणित वोल्टता गुणित आवेश बोलो यस और नो कितने न्यूमेरिकल आते हैं इसको लेकर के कितने न्यूमेरिकल आते हैं और इसमें कोई कठिनाई नहीं है कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है बस थोड़ा सा खुद को समय देना है स्वयं को अपग्रेड करना है कंसेप्ट को समय देना है ये जितने हमने यहाँ पर फॉर्मूले लिखे ना ये हमारा दावा है कि जितने हमने यहाँ पे फॉर्मूले लिखे हैं एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा बस आपको ये छोटे छोटी चीजें आपको याद रखना है ठीक है ना हीट एनर्जी अच्छा एक क्वेश्चन नहीं बनता है कि एग्जाम में बहुत बार बनता है कि किलो घंटा किसका मात्र है पावर किलो किलोवाट किलो वार्ट, समय घंटा तो किलो घंटा एनर्जी का मात्र है हीट एनर्जी बोलो सारा खेल कंसेप्ट का है कंसेप्ट पकड़ लिया ये सब जेम में लेके घूमोगे आप है ना ठीक है कितने समय में कितना आवेश आया धारा का मान आ जाएगा है ना इतने समय में इतनी धारा आई आवेश आ जाएगा इतने समय में इतना काम हुआ वोट में पावर आ जाएगा ठीक है अगर आपसे पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दिया हो फिर पावर निकालने को कहे पावर आ जाएगा अगर आपको धारा और वोल्टता दी हो पावर निकालने को कहे पावर आ जाएगी आपसे वर्क निकालने को कहा जाता है बहुत प्रश्न आते हैं है ना और पता है इसमें एक चीज और बता दें जिसका जिसके दिमाग की खिड़कियां खुली है एक चीज और बता दें पता है इस क्वेश्चन को कैसे कॉम्प्लिकेट करता है वो इस क्वेश्चन को कैसे कॉम्प्लिकेट करता है पोटेंशियल डिफरेंस देकर वो आपसे ना वी ए वी ए माइनस वी बी दे देता है वी ए माइनस वी बी और बच्चा है ना इतना उलझ जाता है इतना उलझ जाता है कि जैसे कोई भूत देख लिया हो है ना ये तो पोटेंशियल डिफरेंस ही ना डायरेक्ट वोल्टता दे दे डायरेक्ट वोल्ट वोल्टता रख दो वी ए वी ए अलग से दे दे वी बी अलग से दे दे करना ही क्या वी ए और वी बी का डिफरेंस ही तो निकालना है माइनस नहीं डिफरेंस आएगा डिफरेंस है ना पोटेंशियल डिफरेंस और फिर वर्क निकालने को कहे ये हमने आपको कंक्लूजन बता दिया बाहुबली द कंक्लूजन अब देखो यहां से अपन क्वेश्चन करेंगे V बराबर से कितने क्वेश्चन बनते हैं बताने की जरूरत नहीं है सीरीज में भी बनते हैं पैरेलल में भी बनते हैं है ना कोई एक सवाल करवाएं चलो कोई एक सवाल करवा लेते हैं एक काम करते हैं काम करते हैं काम करते हैं काम करते हैं ठीक है चलिए आप है ना आर वन का मान निकालिए आर वन का मान निकालिए अगर वोल्टता दे रखी है है ना 140 वोल्ट ठीक है और अगर आपके जो है विद्युत धारा बह रही है है ना कितने एम्पेयर की है ना सात एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है तो है ना प्रतिरोध का मान निकालो किसी तार में सात एम्पियर की धारा है और 140 वोल्ट है तो उसमें है ना प्रतिरोध कितना है चलो निकालो ओम अंकल से निकाल लो ओम अंकल से निकाल लीजिए ठीक है अब देखो कई बार क्या होता है है आर टू दे दिया होता है आर थ्री दे, दे दिया होता है तीनों के अलग अलग मान दे दिए होते दस इसका पंद्रह है ना पांच रजिस्टेंस ओम में आएगा है ना ओम जो है ओम रजिस्टेंस को ओम से देखते हैं दस एम्पियर फिर बोलता है अब सुनना है ना अविनाश ध्यान से सुनना फिर बोलता है कि यहाँ पे जो है आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 220 वोल्ट का है 220 वोल्ट का है, है अब आपसे बोल देता है बना लिया। अच्छा धारा का अपने को मान निकालना है अब अपन ने देखा कि ये सीरीज में है सीरीज में है तो सीरीज में अपन ने तीनों को जोड़ डाला है ना अः ये दस और पांच पंद्रह पंद्रह और पंद्रह तीस जुड़ता है सीरीज में जुड़ता है लेकिन पैरेलल में पेरल में आपको रेसी में जोड़ना है वन वन अपॉइंट फाइव वन अपॉइंट टेन अगर इसी क्वेश्चन को अपन जो है वह है ना ये जो है आपका समतुल्य प्रतिरोध सारे प्रतिरोधों का व्युतक्रम होता है देखो डेफिनेशन की बात करें पैरेलल <coughs> में समांतर में जो आपका समतुल्य प्रतिरोध होता है वो सभी प्रतिरोधों का व्युतक्रम होता है है ना अपन निकालेंगे अब इसकी इसकी बात कर रहे थे दो ना बीस में तीस का भाग लगा दो तो एमपियर में धारा आ जाएगी तीन छंग अठारह तीनों सात इक्कीस है ना तीनों सात इक्कीस और बचेगा कितना एक बटे तीन है ना इतना एमपियर की धारा बह रही है बोलो सात से एक बटे तीन है ना तो ये अपन ने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया ये तो बहुत ही आसान दे दिया था हमने है ना वोल्ट था 140 है और एक 7 चालीस है है ना तो है ना रेजिस्टेंस हो गया बीस एम्पियर का बोलो ठीक है ना वर्क दे दे आपको कितना जूल वर्क दे दे आपको तीन जूल तीन जूल वर्क दे दे समय दे दे समय को सेकंड में रखना है हमेशा वर्क अपॉन टाइम घंटे में नहीं आएगा सेकंड में आएगा अगर घंटे में दे दे, सेकंड में कन्वर्ट करो, है ना? अब जैसे पांच सेकंड में तीन सौ जूल काम हुआ अब यहां है अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये वर्क है, ना? <coughs> है? यहां यह वर्क है, है ना? तो यहां से तो वोल्ट था वोल्ट में ही आएगी आवेश को तो गुलाम में ही दिया जाएगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यहाँ पे टाइम को घंटे में दे दिया तो सेकंड में कन्वर्ट कर लो है ना पांच छ के तीस है ना पावर कितना हो जाएगा साठ वोट आ जाएगा साठ वोट है ना ये चीजें अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना होती है और कोई बड़ी बात नहीं है ना चलिए तो ये सारे अब जैसे मान लो किसी तार में एक सेकंड में अब जैसे किसी तार में एक सेकंड में पांच गुलाम आवेश आ रहा है एक सेकंड में पांच गुलाम आवेश तो उस तार में पांच एमपियर की धारा बह रही है पांच एमपियर की धारा बह रही है है ना ये क्वेश्चन कर लेते हैं अगर किसी तार में अगर किसी तार में अगर किसी तार में दस एम्पियर की धारा देखो इस क्वेश्चन को करते हैं किसी तार में दस एम्पियर की धारा बह रही है तो दस का स्क्वायर सो हो जाएगा दस का स्क्वेयर सो हो जाएगा और अगर तार में पांच ओम का प्रतिरोध है तो दस धाम सो सौ पंजे पांच सौ सो पंजे पांच सो हो जाएगा और हम सो पंजे पांच और दो सेकंड की बात कर लेते हैं तो 500 सो पांच सौ दूना एक हजार तो एक हजार जूल जूल में आंसर आएगा उसमें एनर्जी उत्पन्न हो गई यानी कि एक किलो एक किलो जूल एक किलो जूल एनर्जी उत्पन्न हो गई है ना ऐसे क्वेश्चन बनेगा ठीक है आपसे पूछता है किसी जैसे अपने घर में 220 वोल्ट आ रहा है तो 220 वोल्ट का आपको डबल करना पड़ेगा अपने घर में 220 वोल्ट बीस है अपने घर में जो रेजिस्टेंस होता है ना जो वायर में रेजिस्टेंस होते हैं वो ज्यादा नहीं होते कम ही होते हैं है, है ना तो मान लीजिए कि यहां पर ग्यारह ओम का रजिस्टेंस है ग्यारह ओम का रजिस्टेंस है तो पावर कितनी हो जाएगी तो ग्यारह दूना बाविश और दूना है ना ऐसे क्वेश्चन बनते हैं 11 ओम का रेजिस्टेंस हो गया 220 सौ बीस वोल्ट था अपने घर में आ रही है तो 11 दुना बाविस है ना 11 दुना बाविश और ये डबल जीरो लगा देंगे और बाविस दुना चुम्वालीस ये चुम्वालिस सौ वाठ आ जाएगा है ना ऐसे प्रश्न बनेंगे ठीक है अब देखो एक एक अपन ये वर्क वाला कर लें क्या पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है पंद्रह एमपियर दस एम्पियर है ना सॉरी 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 माफ कीजिएगा क्षमा प्रार्थी है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो वोल्टता में आएगा है ना ठीक है दो सौ पंद्रह वोल्ट और सो वोल्ट है ना हाई से लो की तरफ जो है वोल्टता जाती है दो सौ पंद्रह वोल्ट और सो वोल्ट तो दो सौ पंद्रह वोल्ट तार के पहले सिरे पर पोटेंशियल है तार के दूसरे सिरे पर तो वोल्ट का पोटेंशियल है तो हाई से लो की तरफ पोटेंशियल बढ़ा तो अपना यहाँ पे सिर्फ पंद्रह वोल्ट निकल के आया अच्छा आवेश है ना चार्ज आवेश गुलाम है ना यहां पर आवेश को अपने घर में जैसे अपन ने दो सो बीस वोल्ट अपने घर में 220 सौ बीस वोल्ट आती है है ना 215 से 100 वोल्ट तक का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया यहां से निकला 15 15 दुना 30 15 दुना 30 जोड़ लेंगे है ना और आपका यहाँ पे वर्क आ जाएगा जूल में है ना इस तरीके से क्वेश्चन आएगा है ना क्या करना दो सो में पंद्रह का मल्टीप्लाई कर देना पंद्रह दूना तीस पंद्रह और उस हिसाब से फिर वर्क डन आ जाएगा कि इतना वर्क हुआ इसी को तो अपन ने जो है पोटेंशियल डिफरेंस बोला अब आपने कहा था कि सर सारे एग्जाम्पल करवा दो है ना अपने घर में जो है आई स्क्र यानी कि बारह एम्पेयर की धारा आ रही है तो बारह का स्क्वेयर बारह दूना बारह का एक और दस ओम का रजिस्टेंस है तो एक यानी कि चौदह एक सौ चुमालीस चौदह सो का हो गया है ना समझ गए ठीक है अपने घर में बारह एम्पियर की धारा आ रही है अगर पांच सेकंड के लिए बारह एम्पियर की धारा अगर पांच सेकंड के लिए आई बारह पांच साठ यानी कि साठ वोल्ट आपके वायर में सिक्सटी वोल्ट बह रहा है सारे न्यूमेरिकल कर लिए बोलो अब देखो इसको भी कर लें जैसे मान लीजिए इस वायर में इस वायर में इस वायर में ये अपना यही पांच दस पंद्रह का रेजिस्टेंस था पांच दस पंद्रह का रेजिस्टेंस था बच्चे बोलते हैं सर न्यूमेरिकल नहीं कराते हमने यहाँ पे सारे न्यूमेरिकल करवा दिए <laughs> है ना अगर यहाँ पे पोटेंशियल है आपका आ, अगर वोल्टता है 220 वोल्ट अपने घर में 220 सौ बीस से हम पता यही है यही वैल्यू क्यों यूज करते हैं 220 से 240 वोल्ट क्योंकि अपने घर में यही आ रहा है अपने घर में 10 से 12 एम्पियर की धारा आती है है ना ठीक है तो ये आपने वोल्ट था अब वो बोल रहा है कि इस तार में धारा कितनी भाई तो इन सब का व्युतक्रम निकाल लेना है ना व्यूतक्रम निकाल के आर का मान रख देना धारा कितनी बह रही है है ना वोल्टता रख देना 220 वोल्ट धारा का मान आ जाएगा चलिए आज का सेशन इतना ही रखते हैं थैंक यू मच बाबा टेक केयर रेगुलर रहो सारे न्यूमेरिकल भी करवा दिए हमने आपको एक एक हर एक फॉर्मूले का न्यूमेरिकल अपन ने देख लिया है ना ठीक है चलिए ख्याल रखिए मजे कीजिए जय हिंद वंदे मातरम भारत माता की जय एक घंटे बाद फिर से जुड़ते हैं है एनडीए के सेशन के लिए है ना क्लास का समय जरूर याद रखें क्लास का समय होता है सुबह दस बजे और बारह बजे थैंक यू वेरी मच जय हिंद वंदे मातरम भारत माता की जय